तो इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी हमेशा से वायदे के खिलाफ ही काम करती है, अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। हम चाहते हैं योगी हनुमान जी की जाति बताएं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही हैं। तो अखिलेश यादव चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर बीजेपी एक वार करती है तो अखिलेश यादव दो वार करने की कला जानते हैं। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार, खासतौर पर इंडिविजुअल पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दोनों पर ही निशाना साधा है। जो जानकारी मुझे मिली है, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत से हट गए हैं और सिद्धांत पे चलते चलते धोखा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलने वाली समाजवादी पार्टी और तमाम इस विचारधारा पे चलने वाले कई दल लोग हैं, और इस देश में बड़ी संख्या में वो नेता हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ उनके विचारों को काम कर करके उनका कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत का सवाल है, हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना है। भारतीय जनता पार्टी हमें समाजवाद का पहाड़ा न पढ़ाए समाजवादियों को, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी है जो डॉक्टर लोहिया के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नेताजी और तमाम पुराने नेताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है। जिनेश मिश्र जी ने आगे बढ़ाया है, मोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया है, विभूषण तिवारी जी हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूं जिन्होंने उनकी विरासत और विचारों को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी से हमें नहीं सीखना, क्योंकि चुनाव आ गया है तो आज भारतीय जनता पार्टी पे कोई नेता नहीं है। वो तो हर नेता को अपने विचारधारा में जोड़ना चाहते हैं या उन नेताओं को अपने विचारधारा में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर लोहिया जी को कम से कम छोड़ दें। उन्होंने देश को और समाज को नई दिशा देने का काम किया था। आज की भारतीय जनता पार्टी उनके उल्टे विचारों पर चल रही है। अगर आज डॉक्टर लोहिया होते तो शायद सबसे ज़्यादा विरोध सदन में और सड़क पे अगर किसी का होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का होता, उनके विचारों का होता। सर, बाराबंकी में होलिका दहन में जिस तरीके से जो पोस्टर जलाया गया, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है, उनकी सोच यही है, उनकी समझ यही है कि त्यौहार में भी इस तरह का काम करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने सपा और बसपा के गठबंधन को सांप और छछूंदर का गठबंधन कहा था। मैं आज कह सकता हूं शहीद दिवस के दिन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हुए कि सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर देश में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन देश की जनता इस बात सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपने ही वादे भूल करके इन्होंने धोखा दिया जनता को। इन्हें नौकरी देनी है, किसान की आय बढ़ाने की वादा पूरा करना है, अच्छे दिन का वादा पूरा करना है, और अभी तो नोटबंदी की अच्छाई बताई नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। कम से कम अच्छाई तो बताएं कि नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ पहुंचा है। जीएसटी ने हमारे व्यापारी को परेशान कर दिया है, कुछ को लाभ हो सकता है हुआ हो, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारियों के साथ धोखा हुआ है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।